हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। फाइनली पठान मूवी को रशिया में रिलीज़ किया गया है। आपको पहले ही बता दें, ये मूवी रशिया में तभी रिलीज़ हो गई थी जब ये मूवी सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी, मतलब 25 जनवरी को। 25 जनवरी 2023 को ही पठान मूवी को रशिया में रिलीज़ किया गया था, वो भी हिंदी में। तब इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब पठान मूवी को रशिया में रशियन लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, अब इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। और पठान मूवी ने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है, मतलब पठान मूवी ने बाहुबली 2 से भी ज़्यादा रशिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठान मूवी ने रशिया के अंदर अपने पहले दिन कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है और रशिया के अंदर इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि 4 साल बाद शाहरुख खान का कमबैक काफ़ी धमाकेदार साबित हुआ था। जब पठान मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में 1,050 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और ये इंडिया की पहली मूवी बन चुकी थी जिसने हिंदी में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर आप बात करें आज की रशिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी को रशिया के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रशिया की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से काफ़ी वीक है, उसकी वजह से इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं है। बाहुबली 2 ने रशिया से $4,30,000 की रशियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और इस तरह पठान मूवी ने तो सबका रिकॉर्ड बीट कर दिया है। पठान मूवी ने तो बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है। पठान ने रशिया से 6 लाख रशियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, जो कि अगर राउंड अबाउट करें तो वह इंडियन रुपीज़ में 5 लाख बनते हैं। रशिया में मूवी लवर्स बहुत ही कम है और उनकी इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले में काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से इसकी मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही कम आई है। लेकिन बाहुबली 2 से तो इस मूवी ने बहुत ही अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है रशिया से, और रशिया में इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और रशिया से इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। 2023 की नंबर 1 पठान मूवी है जिसने 1,050 करोड़ से भी ज़्यादा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। 2023 में कोई भी ऐसी मूवी रिलीज़ नहीं हुई जिसने इसके आधे की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हो। 2 मंथ पहले पठान मूवी को बांग्लादेश में भी रिलीज़ किया गया था, वहाँ इस मूवी ने बांग्लादेश से 20 करोड़ टका की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बांग्लादेश से इस मूवी ने 13 से 14 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।